तो भाई अभी सुबह के 3 बज चुके हैं। आज है भाई 26 मार्च। बहुत बड़ी राइड होने वाली है। सॉरी मास्क पहन रखा है। अभी तो मैं घर से चल रहा हूँ भाई, इतनी मतलब आज तो मैं सोया ही नहीं, तो अभी घर से चल रहा हूँ। विशु आ रहा है, कमल आ रहा है, तो उसके साथ एक बार ज्वाइन होते हैं एंड देन जो अपना फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हमारे भाई विशु भाई तो आ चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ। कमल भाई के पास अभी फ़ोन किया था, भाई सोया पड़ा है। कमल भाई शर्म कर ले कुछ, ऑन टाइम 3 बजे का टाइम दिया था भाई, क्या कर रहे हो भाई आप। तो अभी सुबह के 3 बजे हम पेट्रोल ढूंढ रहे हैं शहर में। हाँ भाई, रात को क्यों नहीं भरवाया? गांजा फूंक के सोया था ब्रो। शर्म आती है? नहीं। खुट्टी पे टांग आए भाई, जब ये लिख जाए ना तो शर्म भाग जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या बात की, क्या कह रहे थे भैया? जब ये लिखा दिख जाए ना तो समझ जाओ शर्म है ही नहीं। अरे वाह जी, बड़े भाई ने बड़े पते पर की बात की है। एक बार जियो वाले पे और ट्राई कर लेते हैं, ये तो लगता है सो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो अभी फाइनली फ्यूल हमें मिल गया भाई, यहीं पे मिला, जियो वाला भी बंद मिला हमें। तो चलिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम सापला की तरफ। सापला हमारा मतलब सभी वहीं जाके मिलेंगे, देन मानेसर के लिए निकलेंगे भाई। तो अभी विशु भाई अपना फ्यूल टॉप अप करा रहे हैं, तो चलिए। तो भाई दोहाना बिल्कुल सुनसान हो रखा है, बस एक तो ट्रक ही दिख रहे हैं इस टाइम तो, बाकी कुछ भी नहीं है। KTM का भाई एक थैता है, फोन का पता लग जाता है स्क्रीन में ही। अभी कमल भैया आधा घंटा हो गया है, हमारी स्क्रीन देखिए 3:30 हो गए भाई, 3:30 अभी तक कमल भैया हमारे आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ जी ब्रो, क्या हाल है? जींद जाना है? आगे से बाजार साइड घुस जाओ। हेलो, ये पैदी। अरे भाई मैं भूल गया, अभी लाता हूँ भाग के। मेरे पास ये तो है, ये वाला। बाकी दो। चलो कोई नहीं, छोड़ो। एनीवेज भैया टाइम पे आना होता है, टाइम पे। मर जाओ तुम, डूब गया वो। हाँ आप डूब के मर जाओ भैया। अभी देखिए भाई का वाइजर भी हमने डाला है, किसी और चीज में मजा नहीं जाए इसमें। भाई जल्दी चलो यार, आधा घंटा लेट है अभी फिलहाल। हम गोहना वाले भाई पहले ही बदनाम है, टाइम पे कभी नहीं आते, घंटा 20 मिनट लेट है। अरे उड़ जा बेइज्जती मारेगा भाई यार। ये भाई मान जाओ यार, नहीं मानोगे तुम तो भी फरमाना से। ये दो भाई ज्वाइन किए भाई हमें। हेलो तो चलो भाई। तो अभी सापला पहुंच चुके भाई, रेलगाड़ी भी आ गई है शायद, आवाज़ आ रही है। रेलगाड़ी गई। तो फाइनली अपना मीटिंग पॉइंट आ गया भाई, जहां पे सभी के सभी राइडर्स इकट्ठे होंगे। तो ये है अपना भाई सापले वाला टोल प्लाजा। तो यहां पे सभी राइडर्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी फाइनली अपना लाइन अप भाई यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हमें जाना है मानेसर, ऑलरेडी 57 किलोमीटर है भाई, ये हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा कवर, सो लेट्स गो। तो भाई चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं कितनी देर में होगा कवर। तो अभी फाइनली हम मानेसर पहुंच चुके हैं भाई, बस यहाँ से थोड़ी सी दूर और है, जहाँ पे भाई पूरा हमें बाइक्स की जन्नत देखने को मिलेगी भाई। तो फाइनली भाई राइट नाउ 6:40 हो चुके भाई, 3 बजे के निकले हुए अभी पहुँचे भाई। अभी हमें तो भाई अपनी बाइक के पास ही रहना है फिलहाल, बाकी भाई एक से एक बाइक देखने को मिलेगी आज भाई साहब, पूरे होएंगे।
ये मतलब देखो Z650 है शायद। भाई साहब निंजा 300 दिए दो। ये देख भाई दूर दूर तक लग गया जाम। वो बोलते हैं ना कि घर से निकला था स्टोरी पाके निकला ते लग गया भाई जाम। क्या वो कर रहे हो? कॉमेडी कर रहे हो? कॉमेडी कर रहे हैं कॉमेडी। तो अपना तो सिस्टम ये खड़ा भाई, बाकी यहाँ तो बिल्कुल गूस बम्स मिल रहा है भाई साहब। अलग सीन ही अलग हो रखे हैं। अभी एक Z8 सवाले ने क्या व्हीली मारी है भाई यहाँ से। जिस तरह से युवाओं ने जज्बा देखा कि करीब 3,500-4,000 मोटरसाइकिलों का काफिला मैंने देखा, तो वाकई युवाओं में जज्बा है देश के इन दीवानों के प्रति। मैं करीब 2016 में भाई सरणजीत जी ने मुझे एक बार फोन किया कि हम ऐसे ही मोटरसाइकिल लाए थे। पूरी खा लो गाइस, अभी भी ब्रेकफास्ट चल रहा है भाई हमारा, पूरी खीरा आलू की सब्जी। ए भैया मेरी ध्यान दे दो मेरे को ये वाले लोग। जैसे कि देखा भाई इवेंट था बिल्कुल एक नंबर, अभी यहाँ से हो गए बिल्कुल फ्री, तो अभी घर जाके सोएंगे भाई। बाकी हमें लगभग 100 किलोमीटर तो जाना है भाई, लगभग 100 किलोमीटर जाना है भाई घर की तरफ। सो लेट्स सी क्या रूट होएगा अभी, क्योंकि आते वक्त भाई केएमपी से आए थे हम, जल्दी आ गए थे, तो अभी देखते हैं क्या सीन होगा। सारी बाइक्स देखिए भाई। हेलो भाई, चैनल का नाम बताइए। एरिया कोर्स ब्लॉग। ओके सब्सक्राइब, देखो वीडियो बढ़िया बढ़िया है बिल्कुल भाई। सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फॉलो करो, मतलब सब्सक्राइब करो। तो ये हमारे बाइक्स का टायर प्रेशर भी चेक करके गए हैं भाई अपोलो वाले, पता नहीं किया या नहीं, बट ओके लिख गए हैं, मतलब हर बाइक पे टैग लगा दिए इन्होंने ओके लिख के, नाइस जॉब। तो अभी ले रहे भाई टी ब्रेक सारे जो अपने क्लब मेंबर्स थे, अपने जीटी खड़ी। कि भाई कल से तो बिल्कुल ही नहीं सोए हैं, तो थोड़ी सी नींद उड़ा लें। तो अभी फिलहाल भाई रोहतक यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर और रहता है। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, हाँ पानी पी लो भाई, मेरे को भी पिला देना। कौन सा है? ओके सो गाइस, अभी रात के लगभग 10 बज गए हैं और भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, मतलब राइड से आते ही मैं भाई घर पहुँच गया था 4 बजे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रोहतक हम रुक गए भाई कुछ देर के लिए, वहाँ पर चाय वगैरह पी हमने, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ चिल आउट किया यू नो। तो आते ही भाई मैं सो गया, अभी उठा हूँ, अभी खाना देखूँ क्या बना हुआ ऊपर मिलेगा या नहीं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाई। वहाँ से हम बहुत सारी मेमोरीज लाए एंड भाई बहुत कुछ सीखने को मिला, एक से एक बाइक्स देखने को मिली, तो भाई पूरे हो गए, मज़ा आ गया।
बाकी कुछ स्टिकर्स वगैरह भी मिले हमें, बैजेस दो तो मैंने यहाँ पे चिपका दिए अपनी अलमीरा पे, एंड भाई दो मैंने अपने हेलमेट पे चिपका दिए सेम, जो साइज़ बड़ा था वो तो यहाँ चिपका दिया, जो छोटा था वो हमने हेलमेट पे चिपका दिया अपने। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।